बकरीद पर्व सावन का अंतिम सोमवार, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए शनिवार को जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल मार्च निकाला, जो कचहरी चौराहा, टाउन हॉल, अग्रसेन तिराहा, गांधी गली, गोलघर होते हुए चेतना तिराहे पर पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों ने राहगीरों से बात भी किया तथा उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। पैदल गश्त में एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नारिकर, आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौसदोम, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदबुद्धि महिलाओं के लिए बनाए गए मातृ छाया का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को उसके संबंध में अवगत कराया। जिलाधिकारी ने चेतना तिराहे के पास नुजूल की भूमि पर बनने वाले पार्किंग स्थल को भी निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत कराया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने कहा, ये तो नाली में यूं डाल के नाली से यूं पानी देती थी। ये लोग का उठा के लाता है तो यहाँ एसी भी उपलब्ध गेट है, इधर लाइट लगा दो।
इधर से सर खुला हुआ है, उधर से भी खुला हुआ है, इधर से मेन गेट पे चला जाता है सर, एंट्री एग्जिट का है सर, हम लोग पार्किंग की साइड लगे हैं। आप इसको यूज़ करें, इस पर तो हम लोग चिनागन करके भेज रखे हैं। एग्जिट एंट्री दो मिनट तुम्हारा घर सही आपको मालूम है 12 तारीख को बकरीद और उसी दिन श्रावण मास का कहते हैं अंतिम सोमवार है और फिर 15 अगस्त को रक्षाबंधन और हमारा राष्ट्रीय पर्व सभी एक साथ कहते हैं पिछले अगले चार पाँच दिन में हो रहा है। इसको देखते हुए हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी सभी लोग कहते हैं आज ये फुट पेट्रोलिंग की है और लोगों से बातचीत भी करके जाते हैं, लोगों का प्रशासन के प्रति और पुलिस के प्रति जो है विश्वास बढ़े, ऐसी हम लोग द्वारा जो है कोशिश की गई है और हम सबको आश्वस्त करना चाह रहे जाते हैं कि प्रशासन एवं पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अपने अपने त्यौहारों को लोग जो है शांतिपूर्वक जाते हैं मनाएँ और 15 अगस्त को की पूर्व से ही हम सभी को जो है पूरे जनपदवासियों को मेरी तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी को जाते हैं शुभकामनाएँ। जय हिंद।